तमिल तलाईवास बनाम पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स वो टीम है जिसने अपने पांच में से चार मुकाबले जीते हैं, और पिछली ऑक्शन के बाद सारे फैंस का सोशल मीडिया पर हमसे यही सवाल था कि प्रदीप के बिना टीम का क्या होगा। देख लीजिए प्रभु, प्रदीप के बिना टीम का ये होगा, पांच में से चार मैचेस जीते हैं। सुनील न जाने क्यों इस सीजन तमिल तलाईवास का सीजन लग रहा है। लीजिए ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये डू और डाई रेड की है, यानी कि ये रेड बिना पॉइंट लिए रेडर वापस नहीं जा सकता। एमएस अतुल कोशिश पूरी कर रहे हैं और यहां पर रेडर की कोशिश नाकाम। बल्ले बल्ले जर्सी नंबर 66 है एमएस, अगले मैच में 66 होंगे सीआर। यहां काम किया नीरज ने, और सुनील का सपोर्ट अगर ना आता तो एमएस निकल जाते। मोनू गोयत दो रेड में एक पॉइंट, एक बार आउट। तमिल तलाईवास और पटना के बीच की जंग जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसी शुरू हुई है मंत्रा, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। और खास तौर पे तमिल तलाईवास का डिफेंस, मोनू गोयत का एस्केप अद्भुत। टक्कर चल रही है यहाँ तमिल तलाईवास और पटना पायरेट्स के बीच में। बोनस प्लस वन पॉइंट, बोनस क्लियर लिया, डैश करने से पहले खुद को उन्होंने सेव कर लिया। बोनस की मांग की अंपायर अजीत कुमार ने सुन ली। जब रिटेंशन होता है तो आप हर कैटेगरी से दो प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। सचिन है एक कैटेगरी में, सुनील परवेश भी। ओ डबल थाई होल्ड, कमाल का है नीरज का। प्रशांत कुमार राय भाई ये तो कप्तान के तौर पे छाए, नीरज की पोजीशन से पीके ने आके डबल थाई होल्ड किया। पटना पायरेट्स और तमिल तलाईवास के बीच में बहुत ही कमाल का पहला हाफ हुआ, जिसमें जाते जाते पायरेट्स ने तलाईवास को ऑल आउट दिया, वहां से 6 पॉइंट की लीड बन गई। अजिंक्य पवार तमिल तलाईवास के वो पॉकेट रॉकेट हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म के बड़े बड़े हीरो तक फेल हो जाएंगे इस स्टाइल के सामने, जिस अंदाज में अपने पीठ के पीछे डिफेंडर को टैग करके उन्होंने पॉइंट कमाई। ये देखिए भाई ये हिंदी कम मुझे, ये तमिल फिल्मों के हीरो ज्यादा लग रहे हैं, जैसे रजनीकांत अन्ना। ये स्टाइल बिड़ू, डुओ डाई रेड है। पॉइंट मिला तो लीड बढ़ेगी, पॉइंट नहीं मिला तो स्कोर बराबर हो जाएगा। स्कोर बराबर होगा, पटना का डिफेंस ढूंढ लेती है। यहाँ डिफेंस ने इनको ढूंढा है, मोहम्मद रेजा चिया ने। शादलू तीसरी कामयाबी मिली ईरान के छोटे सुल्तान को। तमिल तलाईवास का इस सीजन में चौथा टाई,